Okay students, today we will do the revision of trigonometry. उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए बेटा और क्या क्या हमने उसमें किया उसका एक बार मैं आपको रिविजन करा देता हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेना, वो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, जो मेन टॉपिक है उसमें उनको रिवाइज कर सकते हो। जैसे एक्सरसाइज नंबर 3.1 है तो उसमें क्या मेन है, क्या टॉपिक है उसमें, उसमें आपका कैसे आप रेडियन से डिग्री में चेंज करते हो और फिर कैसे आप डिग्री से रेडियन में चेंज करते हो। ओके, और फिर आपको बताया गया है देयर आर टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कौन कौन सी, एक तो डिग्री मेजर होती है और एक रेडियन मेजर होती है, ठीक है। दोनों को आपस में इंटरचेंज करना भी आपको सिखाया गया है। फिर उसमें एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और यहाँ से जो थीटा मिलता है वो किस में मिलता है, रेडियन में मिलता है, राइट। ये आपको मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहां से ये सर्कल और यहां से ये कोई थीटा एंगल, दिस इज द रेडियस और दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हो गया ये। ओके, तो इनके बीच में एक रिलेशन हुआ करता है, क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है ना। जो एंगल होगा वो लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से जो थीटा मिलता है बेटा वो हमेशा याद रखना वो रेडियन में मिलता है, किस में मिलता है, रेडियन में। ओके, अब मैं आपको सिखाऊं क्या हमारे दो मेजरमेंट होते हैं, तो रेडियन रेडियन और एक डिग्री, रेडियन और डिग्री, कैसे रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं और डिग्री से कैसे डिग्री से रेडियन में और फिर रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जब मैं रेडियन से रेडियन टू डिग्री चेंज करूंगा, रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। सपोज पाई बाय 6 है, उसको ये रेडियन में वैल्यू है, ओके, रेडियन ऐसे लिखा जाता है। तो अगर इसको मुझे चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कैंसिल, कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो याद रखना रेडियन टू डिग्री में चेंज करना है, रेडियन टू डिग्री, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। और एक बात और बता दूं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7, और पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, ये मैंने प्रूव करके आपको बताया हुआ है। अब सुनो, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन चेंज करना है तो क्या करना है, डिग्री टू रेडियन, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे सपोज 90 डिग्री है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई बाय 180, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 2, पाई बाय 2 रेडियन, क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन। अंडरस्टैंड, ये पता लग गया आपको। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। अब इस एक्सरसाइज में क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अच्छी तरह से याद रखने हैं बेटा आपको, मैंने बताया है उसका भी तरीका, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे होता है ना, एक बार रिवाइज करा देता हूं, कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री और 360 डिग्री आएगा, मतलब 2π, और ये कितना 90 डिग्री और पाई बाई 2, ये कितना 180 डिग्री और पाई, ये कितना 3π/2, मतलब 270, राइट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ करता है। अब मैंने बताया था ये इसमें ऑल प्लस ए, इसमें साइन एंड उसका उल्टा कोसेक प्लस, इसमें टेन और उसका उल्टा कोट प्लस, इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक प्लस, ए एस टी सी। फिर मैंने बताया था कि भाई दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कौन सी लाइन पे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नेवर चेंज, एंड वर्टिकल लाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन,
sec cosec और cosec sec में होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखने क्वाड्रेंट फॉर्मूले। दो क्वेश्चन क्या पूछना है कि आप कौन सी लाइन पे हो, ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा या वर्टिकल लाइन पे होगा, और फिर आप कौन से क्वाड्रेंट पे हो, राइट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, वो डायरेक्ट आपकी फॉर्मूलों पे डिपेंड है। आपको साइन 2x cos 2x tan 2x वाले फॉर्मूले, साइन 3x cos 3x tan 3x वाले फॉर्मूले, साइन c प्लस साइन d ये वाले फॉर्मूले, और जितने भी फॉर्मूले उसमें गिवन है उन सभी को आपको अच्छी तरह लर्न करना है, अच्छी तरह से। मतलब आपको याद कब होंगे वो फॉर्मूले, जब आप उनको यूज करोगे क्वेश्चंस में, जब आप यूज करोगे, जब आपको अच्छी तरह से वो लर्न हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो आप सब फॉर्मूले को अच्छी तरह से उनको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, जो कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा वो आप मुझसे डिस्कस करोगे, राइट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू सॉल्विंग एनी क्वेश्चन तो यू विल डिस्कस विद मी। थैंक यू वेरी मच।